जब भारत के इतिहास की बात आती है तो उत्तर पूर्वी हिस्से को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उत्तर पूर्व के 7 राज्यों में से एक मणिपुर, जिसका इतिहास हम में से कई लोगों के लिए अज्ञात है, ने भारतीय और दक्षिण पूर्व एशियाई इतिहास पर एक बड़ा प्रभाव छोड़ा है। मणिपुर का प्राचीन साम्राज्य, जिस पर उसके संप्रभु राजाओं ने एक ही राजवंश के तहत लगभग 2 सहस्र शताब्दियों तक निर्बाध रूप से शासन किया, अब 15 अक्टूबर 1949 को भारत के साथ विलय के परिणाम स्वरूप भारत का एक राज्य बन गया है। लेकिन पूर्व के गौरव के दिनों में मणिपुर, जिसे तब कांगलेई पाक के नाम से जाना जाता था, बहुत बड़ा था, जिसमें आधुनिक म्यांमार के क्षेत्र शामिल थे। ये सब 33 ईस्वी में शुरू हुआ, जब राजा पाखंगबा ने 3 शासक जनजातियों, जिन्हें सालाई भी कहा जाता है, को मैती में मिला लिया। तब से क्रामिक शासकों ने अन्य शासक जनजातियों को अपने अधीन कर लिया और उन्हें मैती समूह में शामिल कर इसे एक एकीकृत राज्य व्यवस्था बना दिया। राजाओं की लंबी कतार के बाद 11वीं शताब्दी में ये राजा लोयुम्बा थे, जिन्होंने लोयुम्बा सिनायन नामक एक लिखित संविधान के माध्यम से अपने राज्य के शासन को समेकित किया। उनके बाद सबसे उल्लेखनीय राजा सेनवी कियाम्बा थे, जिन्होंने पोंग राजा खेखोम्बा के साथ गठबंधन में काबा घाटी में खायंगखम्बत पर आक्रमण किया। खायंगखम्बत के शान पराजित हुए, विजयी मणिपुर और पोंग ने विजित क्षेत्र को आपस में बांट लिया। ये 1470 की संधि के द्वारा था। संधि के शर्तों के तहत मणिपुर को काबा घाटी उसके हिस्से के रूप में मिली। उनके बाद सबसे उल्लेखनीय राजा खागी नगम्बा खागेम्बा थे, जिन्होंने मणिपुर के मिंग आक्रमण के जवाब में जवाबी कार्रवाई का नेतृत्व किया और चीनियों को हराया और खागेम्बा की उपाधि ली, चीनियों का विजेता। उनके बाद 2 शासकों ने शासन किया, जिसके बाद राजा पीथम्बर छाइरा रोंगबा का शासनकाल आया, जिन्हें टोंगो राजवंश के बर्मी राजा से अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव मिला। विवाह का जश्न खुशी से मनाया गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद सम्राट ने राजकुमारी का अपमान किया। जल्द ही राजकुमारी के साथ दुर्व्यवहार की खबरें इम्फल तक पहुंच गई, इसलिए पीथम्बर ने बर्मा पर आक्रमण करने की योजना बनाकर इस अपमान का बदला लेने की कसम खाई। लेकिन आक्रमण करने से पहले वे बीमार पड़ गए और मृत्युशाया पर उसने अपने बेटे पम हेइबा से वादा लिया कि वे वर्मा पर आक्रमण करेगा और अपनी बहन की अपमान का बदला लेगा। अपने पिता से सत्ता लेते ही उसने पड़ोसी सरदारों पर विजय प्राप्त कर ली। फिर वर्मा पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगी। इसके बीच में 23 दिसंबर 1716 को वर्मा के राजा का एक दूतावास, जिसमें 156 लोग शामिल थे, पम हेइबा की बेटी राजकुमारी सीचा थाम्पा साना से शादी के लिए हाथ मांगने के लिए इम्फल पहुंचे। इसने पम हेइबा की योजना के लिए एक नया मोर्चा खोल दिया। उसने बर्मा के राजा को पत्र लिखा कि वे निंगथी नदी के तट पर फोंगाटा हिंगाई फार्म नामक स्थान पर आकर राजकुमारी का स्वागत करें। 4 नवंबर 1717 को मैती बारात महिलाओं से नहीं बल्कि सैनिकों से लड़ी भव्य रूप से सजी हुई पालकियों के साथ बर्मा की ओर रवाना हुए। नियत तिथि पर दोनों पक्ष नदी बंदरगाह पर एक दूसरे से मिले, लेकिन राजकुमारी और बारात के वजह सशस्त्र मणिपुरी सैनिक बर्मी लोगों पर टूट पड़े। भयानक नरसंहार के साथ बर्मी को भगा दिया गया। उनके साधारण नौकों को कुल्हाड़ियों के साथ काट दिया गया और शाही बर्मी सुनहरे नाव को आग लगाकर निंगथी नदी के नीचे डुबो दिया गया। 10 नवंबर को राजा पम हेइबा ने निंगथी नदी पार करने के बाद समशोक में बिजली की तरह हमला की। लोंगाई कीमू के नेतृत्व में बर्मा के सैनिक हार गए। राजकुमारी को लेने आए कई लोगों को बंदी बनाकर इम्फल ले जाया गया। दुल्हन पक्ष के अपहरण और हत्या की घटना ने बर्मा के राजा को मणिपुर राज्य पर आक्रमण करने के लिए मजबूर कर दिया। जनवरी 1718 में बर्मी और मणिपुर सैनिकों ने सेनापी लामालुंग में लड़ाई में एक दूसरे का सामना किया। ना तो बर्मी और ना ही मणिपुरी किसी पर हावी थे। कोई भी उस भयानक लड़ाई से एक इंच भी
पीछे नहीं हटा। लेकिन जनरल हाओपा मोयोन के मृत्यु ने मेती को तितर बितर कर दिया। तब राजा पमहेइबा, जिन्हें गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, ने एक भयानक भाला नृत्य के माध्यम से नैतिकता को बढ़ाया। तभी पोलेम के लामथोक ने नेतृत्व में मणिपुरी घुड़सवार सेना उनके तीरों और गोलियों से बचते हुए दुश्मन पर टूट पड़े। इसके बाद रॉकेटों की बौछार हुई जो उल्कापिंड की तरह बर्मी सेनाओं पर गिरी, जिससे वे अस्त व्यस्त हो गए। 9 दिनों के युद्ध के बाद विजयी मेहती 100 से अधिक कैदियों और युद्ध के लूट के साथ घर लौट आए। बर्मी लोगों के सहायता से सायम सोक के सरदार ने मणिपुर से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। छंता, मुआंग और त्वंगमो नामन के साथ उन्हें कुचलने में 7 साल लग गए। शीघ्र ही एक नए शत्रु ने मणिपुर राज्य को चुनौती दी। अप्रैल 1723 में त्रिपुरा के राजा धर्म माणिक्य ने 2 कारणों के आधार पर कमांडर शत्रजीत नारायण को मणिपुर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। मैतियों ने पहले उनके अनुचार पर घात लगाकर हमला किया था, जो दक्षिणी प्रांत से श्रद्धांजलि इकट्ठा करने गए थे, और वे मोरियांग और लोकताक झील को जीतना चाहता था। शत्रजीत के अधीन सेना ने आक्रमण किया और 7 चौकियों पर कब्जा कर लिया। त्रिपुरी आक्रमण को विफल करने के लिए एई फामोन हमचापा और नहारूप सांगालेन राकपा के नेतृत्व में मणिपुरी सेना को वापस पीटा गया। इसके बाद जून 1723 को गरीब नवाज ने एकोंग हाओपामचा के तहत सेना भेजी और उन्होंने मिलकर त्रिपुरियों को उनके जमीन से बाहर कर दिया। मणिपुर पर आक्रमण करने में असफल होने पर राजा धर्म माणिक्य ने जल्द ही बर्मी लोगों के साथ गठबंधन कर लिया। 16 नवंबर 1723 को 30,000 लोगों के 2 सेनाओं ने 2 अलग-अलग दिशाओं से मणिपुर पर हमला किया। त्रिपुरियों ने पहले पुरम में जीत हासिल की, लेकिन फिर राजा पमहेइबा के हाथों हार का सामना करना पड़ा। जनरल शतिनपा बर्मी सेना का सामना कर रहे थे, वे जल्द ही राजा उनसे मिल गए। वांजिंग में बर्मी युद्ध के हाथियों ने मणिपुरी को तितर बितर कर दिया। दोनों पक्षों ने गोलियों, तीरों और रॉकेटों से जवाब दिया। गरीब नवाज ने बांस के एक ऊंची चबूतरे पर बैठकर वहीं से ऑपरेशन का कमान संभाली। नाजुक घड़ी में गरीब नवाज ने हौसला बढ़ाया। मणिपुर के नायकों ने अपना युद्ध घोष किया और बर्मी लोगों पर हमला किया और उनके सेना को पूरी तरह से तोड़ दिया। लड़ाई जीत ली गई। मणिपुरियों ने कई लड़ाइयों में बर्मा के खिलाफ कई जीत हासिल की। फिर वे तुरंत दक्षिण पश्चिम की ओर चला गया और विभिन्न युद्धों में त्रिपुरियों को फिर से हरा दिया। नवंबर 1727 में राजा गरीब नवाज ने अपने बेटे खामलांग पामसपा और गुरु शांतादास गोसाई के नेतृत्व में त्रिपुरा पर फिर से जवाबी आक्रमण भेजा। राजा धर्म माणिक्य ने कूटनीति के माध्यम से शांति स्थापित की, लेकिन 1734 में जब धर्म माणिक्य मुगल आक्रमण से निपटने में व्यस्त हो गए, गरीब नवाज ने त्रिपुरा पर कब्जा कर लिया और ताखेन नगम्पा या त्रिपुरा के विजेता के ऊंची उपाधि धारण की। नवंबर 1735 में राजा पमहेइबा ने बड़ी सेना के साथ निंगथी नदी को पार किया और बर्मीज को आश्चर्यचकित कर दिया और मेडू शहर पर विजय प्राप्त की। फिर 1737 में पमहेइबा ने कामरान तापारांग और सयंग सिंह शहर पर हमला किया, जिसमें 9 सेनाएं हार गई। पूरा इलाका तबाह कर दिया गया। युद्ध का संपूर्ण घटनाक्रम इस प्रकार है। फिर सितंबर 1739 में पोंग के राजकुमारों के अनुरोध के जवाब में पमहेइबा ने फिर से बर्मा पर आक्रमण किया। बर्मीज को पराजित कर मोगोंग से हटा दिया गया। फिर पमहेइबा ने पोंग के सबसे बड़े राजकुमार को अपनी बेटी देकर सिंहासन पर बैठाया। वहां से उन्होंने बर्मा के राजधानी सगयांग पर चढ़ाई की। बर्मी लोगों ने कोंगमा हुडाओ पगोडा की रक्षा के लिए एक दीवार का निर्माण किया था, लेकिन पमहेइबा ने इसे तोड़ने में कामयाबी हासिल की और मवेशियों की तरह कैरिसन का वध कर दिया। महल जलाकर खाक हो गया। काफ़ी युद्ध लूट के साथ गरीब निवास 1740 में इम्फल लौट आया। राजा गरीब निवास का साम्राज्य व्यापक और जनसंख्या वाला था।
बर्मी लोग अपने राजधानी और महत्वपूर्ण शहरों के नुकसान की कल्पना नहीं कर सके। वे अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। 1740 के मध्य में बर्मा के राजा महाधर्म राजा दिबाती ने कछुओं के पुनः प्राप्ति के लिए एक नई बोली लगाई और मणिपुरी नियंत्रित सांगियांग और मेडू के घेराबंदी कर दी। दिसंबर में पम हैवा ने सांगियांग में बर्मीज के खिलाफ मार्च किया, लेकिन मारिंग विद्रोह के कारण जल्द ही चले गए, जबकि उनके जनरलों ने आक्रमण जारी रखा। 6 दिन बाद पम हैवा फिर लौट आया, लेकिन सांगियांग में डेरा डालने के दौरान उनके राजदंड टूट गया। इसे अपशकुन मानकर उन्होंने बर्मी लोगों के साथ शांति वार्ता की। राजा पम हैवा का साम्राज्य अब पूर्व में यूनान से लेकर पश्चिम में बंगाल और उत्तर में चीन से लेकर दक्षिण में ईरावाड़ी नदी तक फैला हुआ था, जिसने दक्षिण पूर्व एशियाई के इतिहास में एक बड़ा प्रभाव छोड़ा। अपने सैन्य विजय के अलावा वे कला, संस्कृति और प्रशासन के व्यक्ति थे। उन्होंने पहले की शनमानिज्म से हिंदू धर्म को राजधर्म बनाया। उन्होंने श्री राम के चित्र वाले सिक्के चलाए। रामायण और महाभारत को स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया। उन्होंने लक्ष्मीचरित नामक पुस्तक लिखी और कई मंदिरों का निर्माण करवाया। इस महान विजेता के शासनकाल 39 वर्षों तक चला, जिसने दक्षिण पूर्व एशियाई पर लंबे समय तक प्रभाव छोड़ा, जो इतिहास के पन्नों में खो गया अब तक।